बी जोन दे विच ए डिवीजन दे विच ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी SSM कॉलेज नूं मिली है। ये स्वामी जी दे आशीर्वाद दे नाल, टीचर सारे स्टाफ दे मेहनत दे नाल, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिदे करके कि ये सारे ईवेंट दे विच कई फस्ट आए या सैकंड आए या कई थर्ड आए, ओवरऑल ट्रॉफी जी SSM कॉलेज नूं मिली है। टीचर ने तो एक गाइड करना होता है ना, हर पत्थर में बुत होने की तौफीक होती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। इट इज आवर ड्यूटी हाउ टू कल्टिवेट द गुड हैबिट्स इन देम। SSM कॉलेज और गल करांगे बच्चों के नाल। बेटा स्वागत है तुहाडा, की कहना चाहोगे, किदां महसूस करो इस कॉलेज? सर वधिया कॉलेज है, मैं मतलब कि BCOM दी स्टूडेंट हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस जो अजे तक वो तो वधिया है, तो अगे भी वधिया ही रहेगा। बेटा की कहना चाहोगे कि ऑलराउंडिंग डिवेलपमेंट है इस कॉलेज दे विच, करैक्टर बेल्ट, बॉडी लैंग्वेज, की कहना चाहोगे कि इस कॉलेज ओवरऑल साडी चेंज आती जो कॉलेज पढ़ते? सर ओवरऑल कॉलेज तो वधिया ही है, NSS का रैंक भी वधिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो कॉलेज बेस्ट ही है। बेटा हो फीलिंग कि महसूस कर रहे हो इस कॉलेज दे विच, की कहना चाहोगे कि ये कॉलेज जिहड़ा थर्ड टाइम कंसीक्यूटिवली ऐतकी फिर जो है लैके आया है ट्रॉफी यूथ फैसटिवल, की कहना चाहोगे? ये सब तो वड्डा रोल साडे प्रिंसीपल सर दा ते साडे टीचर्स दा, जो कि बच्चों मोटीवेट करते हैं ता कि वह मतलब हर तरह की एक्टिविटीज़ च पार्ट लैन। हूँ भी साडे थोड़ी एक एक्टिविटीज़ चलती पई है जिद सू भी पार्टीसपेन का मौका मिले, तो इदा ही साडे प्रिंसीपल सर ने तो साडे स्पैशल यूथ वैलफेयर के अपने DN है ग्रोवर सर, उन्होंने बच्चों तैयारी करवाई ता जो साडा कॉलेज है चैंपियन बन पाया। की कहना चाहोगे कि वह टैग जिहड़ा लग्या हुंदा सी कि भी ये बैकवर्ड एरिया, उन्हूं इस कॉलेज के जिहड़े स्टूडेंट्स है उन्होंने फॉरवर्ड वाले पासे लै गए, उन्होंने इन्नी मेहनत की है, कल्चरली मेहनत की हैगी, अकैडमिक्स दे विच मेहनत की है कि ये कॉलेज ने पूरा नाम कमा लिया अपना। हाँ जी, ये सब तो वड्डा रोल मैं तुहानूं कहना पिया है कि बच्चों का तो टीचर्स का भी है, क्योंकि मोटीवेट करते हैं टीचर्स सानूं कॉलेज में जो भी लैक्चर लगा आते हैं, वो सिर्फ पढ़ाते नहीं है सानूं मोटीवेट करते हैं कि साडे लई की जरूरी है। बैकवर्ड एरिया इस तरीके नाल ही बनता कि वो फाइनैंशियली किधर आ जा कुक, जरूरी ये गल हुंदी है कि बच्चों के किन्ना ज़्यादा मोटीवेशन है जां फिर किन्ना ज़्यादा मतलब उन्हां विच एस्पिरेशन है कुछ वधिया करन दी, ते टीचर्स ने आही जिहड़ी साडे अंदर दा खूबी है वो कढ के लैंदी है ता ही आपां इन्ना कुछ कर पा रहे अगे इस लैवल ते। बेटा यूनीक क्लासरूम जिहड़े कि AC दे नाल लैस ने, CCTV कैमराज ने, पेरेंट्स नूं बड़ा वधिया लगदा कि साडे बच्चे जिहड़े सेफ हैगे, की कहना चाहो? सर बहुत वधिया कि साडे रूम विच AC लगे आ, 2 AC भी लगे आ, कैमरा भी हैगा, स्पीकर्स भी लगे आ, तो जो भी अनाउंसमेंट होंदी है सर सानू मतलब कि कर देंदे आ कि इहदे विच कि फिर AC दा ये है कि जिद्दां गर्मियां बहुत होंदियां तो फिर बच्चे जिद्दां कि मतलब एंजॉय कर दो। हाँ जी, एंजॉय पूरा एंजॉय कर। बेटा की कहना चाहोगे कि ओवरऑल डिवेलपमेंट है इस कॉलेज दे विच, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट ते एम्फसाइज करदे आ कि सानू जदों असीं इत्थे कॉलेज लगदे हैगे आ तां जिहड़े बच्चे हुण देखो +2 तो बाद बाहर चले जाते हैं वो, तो जिहड़े असीं बच्चे आ जिहड़े असीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके जावांगे तो साडे च इक टैलेंट होएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल टैलेंट होएगा कि बाहर जाके भी की करना है, मतलब इतने बहुत कुछ हैगा जे असी पढ़ लाँगे इतने बहुत कुछ हैगा, तो बाकी साढ़े टीचर्स सानू बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते जिदा साड़ी टैली चल रही है कि मतलब सिलेबस तो हट के भी बहुत कुछ कराते। NCC की गल कर लिए, हर चीज़ इतने कॉलेज अवेलेबल है। हाँ जी सर, NCC होती पी है साढ़े स्कूल। हाँ जी कॉलेज NCC वो भी होती पी है, तो उसे जी स्टूडेंट्स है कॉलेज से वो कैंप लगा बहर भी जाते हैं, मतलब उनके अंदर इन्ना कॉन्फिडेंस है कि वो कितने भी किसी अगर जाके गल कर सकन, तो उनकी मतलब कितने भी उन्होंने लैके जाने तो वह कॉन्फिडेंस नाल खड़े हो सकन। एज फार एज टीचर्स आर कंसर्न, प्रिंसिपल सर आर कंसर्न, बेसिकली कॉलेज का जो सिस्टम है सारा काफ़ी अच्छा सिस्टम है, एंड मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे टीचर्स हैं हमें हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं कॉलेज में या जितने भी पार्टिसिपेट करो आप उन सब में, और अपना कैलिबर दिखाओ आगे आके,
और वैसे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी हमें दी जाती हैं कॉलेज में, लाइब्रेरी में बुक्स इशू करवाई जाती हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड हर एक रूम में प्रोजेक्टर की फैसिलिटीज़ हमें दी गई हैं, एंड जिससे कि हम अपने एजुकेशन मतलब एक हाई लेवल एजुकेशन जो है गेन कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा सिस्टम है कॉलेज। बेटा की कहना चाहोगे कि विद्या दानी एक कॉलेज जिस दे विच जो तुसी आंदे हो तो एक सिर उच्चा होंदा कि SSM कॉलेज आप देखते हैं रिजल्ट जो आते हैं किसी की कितने अखबार च फोटो कद किसी चैनल के उपर फोटो की कहना चाहोगे कि यह कॉलेज है जरा एक ओवरऑल डिवेलपमेंट वाल सू लैके जा रहा है। कॉलेज बहुत वधिया है, इससे बहुत डिवेलपमेंट होती है कॉलेज की, क्योंकि असं 3 साल हो गए हम इतने पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स प्रिंसिपल सर बहुत वधिया ने, हमें बहुत वधिया एजुकेशन देते हैं, तो हम हर एक एक्टिविटीज़ के हिस्सा लैन लिए कहते हैं, क्योंकि हर कॉलेज के लिए ऐप वधिया है, तो हमारे कॉलेज इसलिए यूथ फेस्ट फर्स्ट आया है। मैडम दे नाल जिहड़े इत्थे क्लास लै रहे ने, ए कम्युनिकेशन दी क्लास चल रही है, मैडम स्वागत है तुहाडा। थैंक यू सर। मैडम की कहना चाहोगे कि जिस तरीके दे नाल तुसी जिहड़ा वे ऑफ स्टडी है इन्हां दी बच्चियां नूं जिस तरीके नाल पढ़ाउंदे हो वह पुराने ट्रडिशनज नहीं है, हुण नए ट्रडिशन दे नाल तुसी खुद हर रोज़ अपडेट हुंदे हो नया नया चीज़ां, क्योंकि बच्चे इंस्टा वाले आ, बच्चे फेसबुक वाले आ, बच्चों का माइंड सैटअप बड़ा अज्ज शार्प हो चुका, और उन्होंने पढ़ाना जिहड़ा हैगा फिर नए नए वे लैके। यस सर, बच्चों लिए लैक्चर बड़ा इंट्रस्टिंग बनाना पैंदा सानू, ठीक है। ICT वेज आप यूज करते हैं, जिदा तुम देख सकते हो इतने प्रोजेक्टर लग्या होया, ठीक है। आप PPT के थ्रू बच्चों पढ़ाने, ठीक है, एक कॉम्प्रीहेंसिव वे ना पढ़ाने, फॉर्मेट है बच्चों अज का लिख के भी दस दिता नाल, कुछ बच्चे है अगर आप गल करिए सारे बच्चे उन्ने इंस्टाग्राम वाले भी नहीं है, है ना, तो एक बैलेंस भी क्लास होना बड़ा जरूरी है, तो आप बहुत वेज ना ही पढ़ाई इन्हों PPT भी, तो ब्लैक बोर्ड भी और वाइट बोर्ड भी लगे हुए हैं, उन्होंने कंबीनेशन बना के पूरा कि बच्चों को समझ लग जाए, टेस्ट पेपर्स दे दी है इन्हों MCQ सॉल्व करन कि अगे जाके इन्हों दिक्कत ना हो, बेशक इन्हों के पेपर थ्रैटिकल होंगे, दोनों वेज ना करी कि बच्चा लाइफ भी कुछ करे वधिया तरह। खुश हो रहा है आपके यहाँ? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कैसे टीचर्स हैं, कैसा स्टाफ है यहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी तरह स्टडी होती है हमारी। क्या कहना चाहेंगे कि ग्रीनरी से लैस ये कैंपस, यहाँ पर हम आते हैं तो दिल करता है, AC रूम्स हैं और हर तरफ जो है खुशबू है, और सबसे बड़ी खुशबू हमारी आर के तुली जी, जिनका माइंड ये है कि हमने ये मेरी बच्चियाँ हैं, वो अपनी बच्चियों से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों को। बिल्कुल, वो आप हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अच्छा फील होता है बहुत से। कैसी स्टडी है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे ओवरऑल ट्रॉफी 3rd टाइम कंसेक्यूटिवली जीत कर लाए हैं, कि यहाँ एनर्जी लेवल्स हमारे बच्चों के, हमारा माइंड सेटअप बहुत अच्छा है, और कॉलेज में उत्साहित किया जाता है हमें इन चीज़ों के लिए, तभी बच्चे कर पा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, यहाँ पे पढ़ के, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। 5 साल हो गए मुझे भी यहाँ, MSc मैथ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बट बहुत ही अच्छा है, और स्टडी का वे भी टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तभी हमें समझ में भी अच्छे से आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि टीचर्स हैं जो वो भी कम्प्लीमेंट्री हैं, और उनका माइंड सेटअप भी वो भी बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाते हैं हमें, तभी हमें समझ आ रहा है, जैसे हमें समझ आता है वैसे वो पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मेथड ऑफ टीचिंग जरा टीचर्स का है जिद एक क्रिएटिव जे वे पढ़ाते हैं, जिद वधिया भी लगता और पढ़ के मतलब वो अंडरस्टैंडिंग भी होंगी है वधिया, सब सर जिदा अं समझना चाहते उदा समझाते सब बैटर, बढ़िया सब। कॉलेज बहुत ही अच्छा है, मतलब हर फैसिलिटी है कॉलेज में, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, और अच्छा बढ़िया सिस्टम मतलब कॉलेज का। कि बैक बेंचर्स में भी पूरी जान है यहाँ पर, ये कॉलेज ऐसा कॉलेज है यहाँ पर बैक बेंचर्स उससे भी ज़्यादा हीरो हैं, अब भाई क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? कॉलेज बहुत अच्छा, हमारे पढ़ने का भी, मैडम का भी स्वभाव सब अच्छा है, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैडम हमें जैसे पढ़ाते हैं ना वैसे ही मुझे लगता किसी और कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। एज़ फार एज़ योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स आर कंसर्न, हर साल कोई ना कोई पोजिशन है हमारी GNDU में आती हैं, मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ, और ये कॉलेज बड़ा ही मतलब हर एक चीज़ में बड़ा ही अच्छा है, जहाँ एकेडमिक हो जाए कोई भी फेस्टिवल होता है, यूथ फेस्टिवल में भी जैसे हमारे यहाँ पे अभी प्राइज़ आए हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है कि मैं ऐसे बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, और यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं,
जैसे बसेस के फैकल्टीज़ हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं, लाइब्रेरीज हैं वो भी बड़ी, मतलब कि वहाँ का इन्वायरमेंट भी बड़ा अच्छा है, और यहाँ पे जो क्लासेस है वो भी बड़ी वेल मेंटेन है। SSM कॉलेज जिहड़ा यूनीक है हर चीज़ दे विच, और जिदा असीं देख रहे कि बच्चों टैली का जिहड़ा हैगा इत्थे ट्रेनिंग नाल दित्ती जांदी हैगी आ, और बच्चे टैली करके और उन्होंने माइंड सैटअप जिहड़ा बहुत ही मॉडर्न ईरा दे विच चला जांदा, और आने वाले समय जदों नौकरियां लैणियां उन्होंने तो बड़ा उन्होंने ईजी महसूस होगा। सर देखो जी, ये अज के समय की भी लोड़ है कि बच्चों को पढ़ाई तो अलावा, पढ़ाई तो सारे ही करवाते हैं, बच्चे खुद भी पढ़ लेंगे ने, टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन जेकर असी उन्होंने एक्सट्रा कुछ देंगे, एक्सट्रा कुछ समझावे, कुछ करवावे, जिदा प्रैक्टिकल क्लास चल रही है इस वेले, और बच्चे सारे उही परफॉर्म कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर है टैली का, ताकि कल को देखो कोई भी बच्चा पढ़ता वह मेन फोकस होंगे कि मैंने जॉब मिले। पेरेंट्स यही चाहते हैं कि जेकर असं बच्चे के उपर इनवैसट कर रहे हैं तो कल को जाके बच्चा जरा अच्छी जॉब लै सके, तो यह साड़ी एक कोशिश है। असं पिछले 4 साल तो बच्चों को टैली का प्लेटफॉर्म इतने प्रोवाइड करवाया, कॉलेज ने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, और इतने फ्री ऑफ कॉस्ट असं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यदा कोई पैसा चार्ज नहीं करते, और बच्चों को जेडे इतने डेली उन्होंने असाइनमेंट्स दिखाई जाती हैं, ताकि जो क्लास के बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उन्होंने प्रैक्टिकली भी इतने कुछ सीखने मिले, प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करन। साढ़े टीचर्स जोड़े ने अपॉइंट होंगे ने, डेली लैब जी एक घंटे की लैब लगती है, इतने बच्चे आ रहे हैं करते हैं, ताकि उन्होंने स्किल्स जो डिवेलप हो सकन, आने वाले समय से उन्होंने अच्छी जॉब मिल जाए। एक टीचर की भी यही कोशिश होंगी है कि बच्चा जोड़ा है उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, सैटल हो जाए। कि ये बच्चे जोड़े फ्रैशर होंगे जिन्होंने टैली बारे कुछ नहीं पता हों, जो इन्हों सिखाते हो इन्हें टैलेंट आता तो फिर जो फ्लाई कर लगता तो फिर बड़ा इन्हों इन्हों माइंड भी बड़ी पॉजिटिविटी आती है, और तुम्हें तो वाइया लगता भी मेरे बच्चे। देखो सर, अकाउंट्स जोड़े बच्चे मतलब फ्रैशर्स भी होंगे है, जो आप उन्होंने सिखा दिए तो बहुत वाइया कर सकते हैं। और की कहना चाहोगे कि टैली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिद अगे जॉब्स के बड़ा वाइया लगेगा? हाँ जी, बहुत ओपरचुनिटीज़ है ने, ठीक है, मतलब अकाउंट्स के फील्ड से तो बहुत ज़्यादा है, तो ईवन बैंक से भी जॉब लेनी हो सिंपल टैली सीख के ले सकते हो। अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि टैली के साथ जब जैसे अब यहाँ टैली सिखाई जाती है तो उसमें हमारा एक टैलेंट हमारे में डेवलप हो रहा है जिससे हम लोग आगे फ्लाई करेंगे। जी सर, महसूस कर रहे हैं जब हमने ये स्टार्ट किया है, मतलब हमें ऐसे प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है तो फिर ये अच्छा लग रहा है। टैली में फीलिंग ग्रेट सर, एज टीचर्स आर वेरी ग्रेट टू अपॉइंट अस, और जो भी टीचर्स हैं वो बड़ी अच्छी तरह से सिखा रहे हैं हमें। एज टैली हर एक स्कोप है हमारा, बहुत अच्छा स्कोप है टैली का, जैसे हम कॉमर्स फील्ड से हैं बैक, तो जैसे हम टैली करेंगे हमें जॉब्स लेने में भी काफ़ी आसानी होगी। बस सोने पे सुहागा समझे कि ये सोने पे सुहागा, एक तो बी कॉम और एक साथ में टैली। यस सर, यस, बहुत अच्छा, टैली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, जॉब्स इजीली मिल जाती है टैली से, और एंजॉयिंग, पेरेंट्स को भी बढ़िया लगता है कि साथ में टैली भी हो रही है। हाँ जी, टैली की क्लास है और पूरी तरह से यहाँ एसी रूम्स हैं, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये टैली जिसके लिए हम लोग बाहर जाकर पैसे खर्चते हैं और SSM कॉलेज हमें फ्री में दे रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, आगे जाके हम कोई भी जॉब कर सकते हैं, और वैसे भी वो बहुत गुड है, हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, और जो हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है वो भी हमारा दोबारा से रिपीट हो रहा है, और काफ़ी गुड है, काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। टैली क्या हमारे दर्शकों को बताओ प्लीज़। सर, टैली से हमें जैसे हम आगे जाके कोई भी जॉब कर सकते हैं, हमें बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है, और जो भी हमें क्लासेस में पढ़ा रहे हैं सर वो फिर हमें वो कंप्यूटर में करवा रहे हैं, अच्छे से हमें समझा रहे हैं सब कुछ। मुझे लगता है कि इससे हमारे ब्रेन में ज़्यादा मतलब टैली ज़्यादा क्लिक करती है। यस, असी यहाँ केमिस्ट्री लैब दे विच और गल करांगे उन्हां क्रिएटिव सरां दे नाल, मैडम दे नाल जिहड़े ए प्रैक्टिकल वर्क के उत्ते बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। सर, की कहना चाहोगे कि SSM कॉलेज प्रैक्टिकल वर्क से ज़्यादा एम्फसाइज करता नाल? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि साढ़े को इस टाइम जोड़े है दो लैब्स है, ऑरगैनिक और इनऑरगैनिक केमिस्ट्री के, जितने हर एक लैब 30 स्टूडेंट जो वर्क करते हैं, 30 स्टूडेंट इधर वर्क करते, 30 स्टूडेंट नाल दी लैब च वर्क करते हैं, और असीं ज़्यादा मेन फोकस करते हैं कि जेहड़े साढ़े कैमिकल्स के उत्ते कि जेहड़े आपां डेली लाइफ के विच वरतदे आं उन्हां दी, जिस तरह हुणे प्रैक्टिकल होंदे आ TLC थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, इहदे विच सानूं इह पता लगदा है कि किस तरह कोई कंपाउंड जिहड़ा आ उहदे कलर किस तरह सैपरेट होंदे आ। मैडम, की कहना चाहोगे कि एक ऐसा एटमोसफीयर जिहदे विच बच्चों को एक नैटवर्क मिलता और लैब दे विच तुसी ज़्यादा एम्फसाइज़ कर दो कि बच्चों को यह नहीं है प्रैक्टिकल नंबर जिवें बाकी कॉलेज लगते हैं, इत्थे तां प्रैक्टिकलां दे विच बच्चों को करना ही पवेगा।
जी सर, क्योंकि सर कैमिस्ट्री एक इदा का सबजैक्ट है जिसे सू प्रैक्टिकल नॉलेज भी, अगर आप थ्योरी थ्रैटिकल पार्ट कर रहे हैं ना, सूँ प्रैक्टिकल नॉलेज का भी पूरा पता होना चाहिए। सूँ पता होना चाहिए कि साढ़े कैमिकल्स है किदा यूज कर सकते हैं, किदा किदा डेली लाइफ के कैमिकल सूँ हैल्पफुल भी है कि हर किसी भी फील्ड में चले जाओ कैमिस्ट्री का बहुत व्डा रोल है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं इन्हों हैंडलिंग का समझ आएगा किस तरीके आप कैमिकल्स हैंडल करते हैं, कुछ हार्मफुल भी है कुछ नॉर्मल कैमिकल्स भी है। सो प्रैक्टिकल तो एम्फेसाइज करना ही चाहिए वर्क पर, क्योंकि इस इन्हें खुद प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ती है, इन्हें मेंटली डिवेलपमेंट भी जरूर होंगी। असं रोज़ करते हैं प्रैक्टिकल और अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि हम लोग पूरे साइंटिस्टों की तरह करते हैं और मैडम सारा हमारे जो बहुत ज़्यादा समझाते हैं। यस मैम, हमें बड़े अच्छे समझाते हैं। यस सर। और आप बात कर रहे हैं फिजिक्स लैब वाले जो प्रैक्टिकल मैडम कराते हैं, मैडम स्वागत है आपका। माई सेल्फ डॉक्टर रितिका सियाल। हमारे जो फिजिक्स लैब में अभी BSc थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल चल रहा है जो कि ऑप्टिक्स के ऊपर है, वेव ऑप्टिक्स के ऊपर है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। अलग अलग तरह के हमारे पास MSc फिजिक्स भी है, MSc कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc नॉन मेडिकल, BSc मेडिकल, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइंस की स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम अभी जो हमारे पास ग्रुपिंग चल रही है लैब में वो है BSc कंप्यूटर साइंस की। क्या कहना चाहेंगे कि लैब में जब हम आते हैं तो एक नया एटमॉस्फेयर, हर तरह का अपरेटस यहाँ पर हमें अवेलेबल होता है, और हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश तरीके से हमें पढ़ाते हैं। ये हमारा डार्क रूम है जहाँ में ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, और ये है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर, और ये हमारे सोर्स होता है, जैसे हम सोडियम सोर्स के साथ जैसे जो रेडिएशंस हैं वो कैसे स्ट्राइक करती हैं और स्पेक्ट्रा बनता है, लाइट स्पेक्ट्रा बनता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, तो वो स्पेक्ट्रा के बारे में बच्चे देखो। ये अभी अभी कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हो बेटा? स्पेक्ट्रोमीटर का, और आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्रेटिंग फाइंड कर रहे हो, है ना, ग्रेटिंग्स को यूज़ करके रिफ्रैक्टिव जो है इंडेक्स वो फाइंड कर रहे हैं ये बच्चे। चाहेंगे कि एक एनर्जेटिक लेवल जो बच्चों के है, जैसे आप लोग इनको अभी ट्रेनिंग ही दे रहे हैं और ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई फंक्शन बहुत बड़ा चल रहा हो, और उसी तरह से ये लोग अभी भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बच्चों के बारे में तो यही कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक है, ये बच्चे नहीं, ये लाइक प्रोफेशनल की तरह हमेशा ही परफॉर्म करते हैं। और अभी एक वीक पहले ही हमारा यूथ फेस्टिवल होता है यूनिवर्सिटी लेवल का, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 53 कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भी हमारे बच्चे ओवरऑल ट्रॉफी लेके आए हैं, और हर आइटम में, चाहे वो लिटरेरी आइटम हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांसिंग आइटम्स हो, ये श्रेय जो हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर RK तुली जी को जाता है। वो एनर्जेटिक करते हैं और एनर्जेटिक वेस के साथ वो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं। नमस्कार, आदाब जी, सत श्री अकाल सारे पंजाब प्लस चैनल देखने वाले जिन्हें भी दर्शक है, सारे नूं बहुत बहुत मुबारक और थैंक यू। अज तुसी SSM कॉलेज विच आए और म्यूजिक डिपार्टमेंट दे विच आन ते तुहाडा GI नूं वेलकम। SSM कॉलेज दे विच म्यूजिक डिपार्टमेंट लगभग 10 साल तो वर्क कर रहा, और पिछले 4-5 सालों तो SSM कॉलेज ओवरऑल ट्रॉफी लैके आ रहा डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स दे विच, लाइक लिटरेरी आइटम्स, म्यूजिकल आइटम्स, डांसिंग आइटम्स, और आज म्यूजिक डिपार्टमेंट दे विच तुसी कैप्चर किया ये दो बच्चों, और ये दो बच्चे पंजाब का बहुत ही ट्रेडिशनल
एक वार सिंगिंग होंगी है गुरमत संगीत वार सिंगिंग वो थोड़े सामने गा रहे थे मैं आस है कि तुम्हें इंशाल्लाह चंगा लगेगा। डीन सर जिस मुस्तैदी के साथ आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और जैसे हमने देखा कि पिछले दिनों में थर्ड टाइम ओवरऑल जो यूथ फेस्टिवल में चैंपियन ट्रॉफी है जीती है और जैसे बच्चे प्रेज कर रहे थे कि हमारे डीन साहब का बहुत बड़ा रोल है वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और खुद पेन लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं कहूँगा कि बच्चों की विद्यार्थियों की अपनी मेहनत है क्योंकि हम टीचर ने तो एक गाइड करना होता है ना, हर पत्थर में बुत होने की तौफीक होती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। इट इज़ आवर ड्यूटी हाउ टू कल्केट द गुड हैबिट्स इन दैम। तो ये कल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं अपना समाज में अपने आप को निर्माण करने में और समाज में अपना निर्माण करने में। तो इसी एक तो विद्यार्थी जो है एक अच्छी साइट पर लगता है, इसी भावना से ये कॉलेज जो है तीसरी बार लगातार बी जोन में ए डिवीज़न में खेलते हुए प्रथम रहा है और चैंपियन रहा है। ये सब आप सबकी दुआओं का रिजल्ट है और बच्चों के हार्दिक मेहनत और प्यार का स्वरूप है। प्रिंसिपल साहब डॉक्टर आर के तुली कभी भी इसमें पीछे नहीं हटते, कहीं भी उनको ज़रूरत पड़ती है बच्चों को कुछ मोटिवेट करने के लिए या फाइनेंशियल तौर पर जितने भी हमारे कोचिज आते हैं सारा खर्चा लाखों में होता है, कभी भी वो पीछे नहीं हटे और उसका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छा मिलता है, तभी वो खुशी भी होती है और बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अव्वल हैं। ये SSM कॉलेज की भगवान की ईश्वर की दया है कि इस संस्था का जो नींव है वो दयानंद मठ दीनानगर के साथ जुड़ी हुई है जिसके नाम पर ये कॉलेज है, स्वामी स्वतंत्रानंद मेमोरियल कॉलेज। और इसके फाउंडर जो थे दयानंद मठ दीनानगर में क्रांतिकारियों का एक संगठन था और वहीं पे जो पहले अध्यक्ष थे जो मठ के कार्यवाहक थे उस समय और बाद में वो अध्यक्ष बने वो थे स्वामी स्वतंत्रानंद जी, उन्हीं की लगाया हुआ ये बूटा है। और इसमें हर शनिवार बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर एक उपदेश के रूप में और हवन यज्ञ किया जाता है और उसी का ये रिज़ल्ट है कि बच्चों में और अपने पेरेंट्स के प्रति अपने टीचर्स के प्रति और समाज में उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए उसके प्रति बड़े वो निडर होकर समाज में बोलते हैं और अपना जो जीवन है एक सही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। इस आस के साथ ये संस्था आगे बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल आर के तुली जी के साथ। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे ओवरऑल ट्रॉफी जोनल यूथ फेस्टिवल में थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली जो है विन हुई है और जैसे आज हमने सारा कॉलेज का अवलोकन किया है, देखा है कॉलेज में बच्चों की एनर्जी लेवल्स देखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस तरह हैगा कि इस साल असी बी जोन दे विच ए डिवीजन दे विच ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी SSM कॉलेज नू मिली है। ये स्वामी जी दे आशीर्वाद दे नाल टीचर सारे स्टाफ दे मेहनत दे नाल बच्चियां ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है जिदे करके कि ये सारे ईवेंट दे विच कई फस्ट आए या सैकेंड आए या कई थर्ड आए ओवरऑल ट्रॉफी जी SSM कॉलेज में मिली है। ये वास्ते मेरा स्टाफ मेरे बच्चे वधाई दे पात्र ने, बहुत ही मेहनत दे नाल थर्ड टाइम लगातार तीसरी बार ट्रॉफी जीती है। सर 2:30 बजे का टाइम हो गया है, 2:30 बजे ने और असं देख रहे हैं कि तुहाड़े एनर्जी लैवल्स तुहाड़े टीचर्स दे, असं डीन सर नू मिले हैं, असं होर टीचर्स नू देखिया, की कहना चाहोगे कि एनर्जी लैवल जिहड़े हैगे आ क्योंकि आपां देख सकते हैं कि जो छुट्टी का टाइम आंदा एनर्जी लैवल घटदे आ लेकिन इत्थे तां वधदे आ, तुहाडी एनर्जी असीं देख सकते हैं कि तुसीं भी पूरे मतलब जिद्दां हले हुणे कॉलेज च आए हो एज ए प्रिंसीपल और असीं तुहाडा देखिया कि किस तरीके दे नाल तुसीं ओवरऑल सर रियली ग्रेट असां मैं आई हैव कवर्ड सो मैनी कॉलेजिज पर मैं इन्नी डेडिकेशन रियली जो तुसीं करदे हो जिस तरीके दे नाल एक बंदा चार चार थावां दे उपर एक थां दे उत्ते हो रहा रियली ग्रेट सर, की कहना चाहो? इस तरह है क्या सर कि मतलब कि स्वामी जी दे आशीर्वाद दे नाल सारा मेरा स्टाफ जड़ा ना वो मेहनती हैगा, जो मेहनत करते तो रिजल्ट्स आते हैं तो ऑटोमैटिकली जी एनर्जी आ ना उन्होंने मन के आ जाती है। ये तो मैं पहनू पहला दसिया कि यूथ डिपार्टमेंट ने इन्नी मेहनत नाल ओवरऑल जनरल ट्रॉफी ली है। इस तरह ही स्पोर्ट्स के भी साढ़े हर साल 16 टाइम जी है वो ओवरऑल जनरल ट्रॉफी जी ना SSM कॉलेज में मिली है। तो ये पूरा जड़ा मेरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है प्रोफेसर मुखिंदर सिंह वो इंचार्ज है, उन्होंने मतलब कि ना जड़े
वक्रे वक्रे ईवेंट पार्टीसपेट कराते हैं, क्या वह कबड्डी आ, क्या वह वालीबाल आ, क्या वह बास्केटबाल आ। ओवरऑल जनरल ट्राफी जी एस एस एम कॉलेज में 16 टाइम्स मिली आ। तो इस बारी भी जी एस एस एम कॉलेज में ही जो पॉइंट्स जो फाइनल हो चुके हैं, एस एस एम कॉलेज में मिलनी है, वो एस एस एम कॉलेज में ट्राफी मिलनी हैगी। तो इस तरह सारे टीचर एनर्जैटिक है ने, जो रिजल्ट आते हैं अकैडमिक के भी बहुत ही कॉलेज दियाँ एस एस एम कॉलेज दियाँ वक्रे वक्रे क्लासा के कैम एस सी फिजिक्स आ, कैम एस सी मैथ आ, कैम एस सी आई टी आ, कैम एस सी कंप्यूटर साइंस आ, कैम बी सी आ, हर क्लास के यूनिवर्सिटी के बच्चे जड़े आ वो फस्ट सैकेंड पहले जो दसा पोजिशन जाते हैं। सो उन्होंने वे बच्चों वाले वेख के टीचर तो एनर्जैटिक हो जाते, खुश रहेंगे टीचर सर, मेहनती टीचर सर। इतों का एम बी एस असी देखा कि जी क्लासिस है दो दो ए सी लगे हुए रियली, मैं तो मैजन बियॉन्ड इमेजिनेशन वाली गल है इस तरह की। और जिस तरीके इतने असी देखा कि बच्चों पढ़ाई के नाल नाल उन्होंने अगे तैयारियां कराई जाती कि तुम अगे जाके जॉब्स लैनिया है, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट उन्होंने ऐसा ट्रेनिंग दिखाई जा रही ने। असी लैब्स नूं कि लैब्स के इन्नी डेडिकेटेड तरीके दे नाल जिहड़े साढ़े लैक्चरर्स ने कहते भी असी लैब्स प्रैक्टिकल वर्क के उत्ते ज़्यादा इमसाइज करते। अज समय की लोड़ हैगी कि जिहड़ा प्रैक्टिकल जिहड़े आ प्रैक्टिकल दे नाल जिहड़े रूटीन दे प्रैक्टिकल दे नाल जिहड़े अपने कमर्स डिपार्टमेंट दे विच जिहड़े स्टूडेंट्स आ उन्हां नूं टैली दा जिहड़ा एडिशनल जिहड़ा आपां मतलब कि टैली दे कोर्स कराने बच्चों का मतलब कि ना जो फ्यूचर जरा उन्होंने जॉब मिल जाए। तो जरा तुम दस कहते पे कि एडिशनल मतलब कि ना कराते हर जड़े टीचर साहबान है प्रैक्टिकल कराते ने प्लेसमेंट इस एस एस एम कॉलेज एडिशनल जेकर उन्होंने परसनैलिटी डिवेलपमेंट द्लासा लगन गिया कम्युनीकेशन द्लासा लगदिया ने तो वो इस कला इस कॉलेज के प्लेसमेंट भी 3-4 साल तो लगातार मतलब कि ना हर साल चंगिया कंपनियां आदि ने वो प्लेस बच्चे होंगे ने। तो सैकंड तुम कह रहे कि असी क्लासरूम च लगे ने, अब समय की लौड़ है बच्चे कॉलेज जरा इनवायरमेंट दिता बैठन वास्ते। जुलाई अगस्त के काफ़ी गर्मी होंगी है, जो बच्चे अंदर बैठ जाए कंफर्टेबल तो फिर रिजल्ट जड़े आ पढ़ते ने बच्चे डिसिपलिन च रेंदे ने मेहनत करते हैं, उस मेहनत के सदके ही वो बच्चे मैरिट च आते हैं। तो वो करके इसी इस करके मतलब कि ना लाए दे कि बच्चों कंफर्टेबल जोन च रख के आउटपुट जी ज़्यादा निकलती है। सर अपना ग्रीनरी की गल कर लिए ग्रीनरी लैस एक कैंपस जिहड़ा के पूरा ग्रीनरी भरिया हुआ, ग्रीनरी भरन का मतलब यह भी है कि इनू मेनटेन ग्रीनरी हर जगह के उपर असी देखा कि बहुत ही ग्रेस जी है हर चीज़ की हैगी है, मेनटेन किया हुआ हर चीज़ और इन्नी सफाई कॉलेज के और सब तो वो गल है कि डिसपलिन जोड़ा है वो कॉलेज मेनटेन। हाँ जी सर, इस तरह जेकर कॉलेज के मतलब कि ना डिसिपलिन रहेगा तो जिस तरह पहला दसिया कि ये स्पोर्ट्स के कॉलेज ने ट्रॉफी जीती है, यूथ के ट्रॉफी जीती है, ये सारा कुछ जोड़ा ओवरऑल रिजल्ट हैगा डिसिपलिन होएगा तो रिजल्ट जड़े ना बड़े वधिया आते हैं। ये सारे स्टाफ के नाल कॉलेज के जड़ा ना वो मैं डिसिपलिन जड़ा मेनटेन किया, बच्चे भी मेरे बड़े ही वधिया इस कॉलेज के डिसिपलिन है ने। तो डिसिपलिन होने के नाल स्पोर्ट्स के हर साल ट्रॉफी जीतदा मैरिट्स आदियां ने, यूथ चैंपियनशिप ट्रॉफी मिली एस एस एम कॉलेज में, ये अल्टीमेट जो बेस है वो डिसिपलिन आ। तो कॉलेज के बच्चे पढ़ते ने तो वो करके जरा सिस्टम सारा जरा ना ठीक रहा। बाकी तुम गल की है कि ग्रीनरी अब समय की लौड़ है कि ग्रीनरी ग्रीनरी बहुत जरूरी हैगी कि हर मतलब कि जिन्ना भी ये कैंपस आ वो ग्रीन ग्रीनरी रखी दी लाए दे ने बूटे लाए दे ने सारे वक्रे वक्रे तरह के, क्या वह मेडिसिनल प्लांट आ क्या नॉर्मल प्लांट आ, जरूरी है लाइफ वास्ते जरूरी है। थैंक यू सर। यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लोंग लोंग डाटा सानू समा देने लिए और बड़ी मेरे दिल तो मेरा ख्याल 6 महीने तो मैं फोन कर रहा सीगा क्योंकि मैं तुहानू देखा भी नहीं सर और मैं इन्ने वारी तुहानू कवर करा चुका सी कॉलेज, जदों मैं तुहानू फोन करता सी तुसीं कहिंदे कोई नहीं भेज दो एंड आई एम रियली थैंकफुल कि 50+ दा साडी जिहड़ी ओह स्टार्टिंग दा पीरियड सी जदों सानू लोड़ सीगी उदों साडी तुसीं बहुत हैल्प कीती हैगी आ चैनल दी, तुहाडा सानू समां देण दे लई अज वी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ।